आपका भी कुछ घर पे खाने का मन कर रहा है तो चलो लेट्स कुक टुगेदर। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। होप आप सब बढ़िया हो गए। मैं भी एकदम से बढ़िया और मजे में। आज आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ मैं एक रेसिपी व्लॉग। तो जो मैं बना रही हूँ मैं वो अपने लिए नहीं बना रही हूँ, मैं पहले आपको बता दूँ, क्योंकि आप सभी को पता है, जिनको नहीं भी पता है, मेरे थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हैं, उस वजह से ये बाहर की चीज़ें और मतलब जो घर पे भी कोई हम अनहेल्दी चीज़ें बनाते हैं कभी कभी, तो वो मैं नहीं खाने वाली हूँ। मैं बाकी लोगों के लिए बना रही हूँ। और जैसे आपको पता है मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, उस वजह से मेडिसिन ज़्यादा खाने की वजह से, और गर्मी भी इतनी चल रही है तो मेरे फेस पे काफ़ी एक्ने भी हो गए, आप लोग देख सकते हो। बट कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, हेल्थ से बढ़ के और कुछ भी नहीं है, फेस तो ठीक होता रहता है। तो चलो चलते हैं किचन में और स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। बाय द वे, मैं आज बनाने वाली हूँ चाउमीन रेसिपी एट होम, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने वाली, बहुत ही इजी टू मेक है और कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ऐड करनी है, जो घर पे अवेलेबल है वही डालनी है। चलो बनाते हैं। तो हमारे पास है ये टॉप्स के प्लेन नूडल्स, इसको सबसे पहले बॉईल करना है, तो ये वाले हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो देखते हैं कैसे बनता है। तो चलो इसको खोलते हैं। तो इतने नूडल्स हमें इसमें मिल जाएंगे, तो इसको एक पूरी फैमिली 5 to 6 मेंबर्स इसको इजीली खा सकते हैं। तो हम इसका हाफ पैक बनाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने बाकी सब्जी अभी ऐड करनी है, तो उस हिसाब से ये आधा बहुत है। तो सबसे पहले पानी गर्म होने देना है, और इसमें पानी में हमने डालना है ऑयल। बस जब पानी गर्म हो जाएगा फिर हम ऐड करेंगे इसमें नूडल्स, तब तक हम अपनी वेजीज जो है कट करते हैं। पानी हो चुका है हमारा बिल्कुल गर्म, और अब इसमें ऐड करने हैं हमने ये नूडल्स। अभी हम देख रहे हैं जो हमारे नूडल्स है वो बिल्कुल पक चुके हैं, ये आप लोग देख सकते हो। तो इसको अब हमने पानी से अलग कर देना है, इसमें हमने इसको भून लेना है। ये आप देख सकते हो हमारे नूडल्स एकदम से मस्त मस्त लग रहे हैं, मोटे मोटे हैं, पर ये वाले नूडल्स हम जो बनाते हैं वो थोड़े से पतले पतले बनते हैं, ये थोड़े मोटे वाले हैं। तो चलो अब इसको तैयार करते हैं फटाफट। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है वेजेस की, जो भी आपके पास है, आप इसमें गाजर ऐड कर सकते हो, ब्रोकली ऐड कर सकते हो, मशरूम कर सकते हो, पनीर कर सकते हो, और उसके अलावा बंद गोभी है और प्याज है, शिमला मिर्च है, ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। बट हमारे पास जो घर पे चीज़ें हैं हम वही ऐड कर रहे हैं। हमारे पास है प्याज, शिमला मिर्च और बंद गोभी, तो ये तीनों हमने चॉप कर दी थी। तो अभी आगे का स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें जो जो चीज़ें हमने डालनी है, नमक मिर्च तो आपको पता ही है डालना ही है हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके साथ इसमें डालेंगे हम सोया सॉस, ग्रीन सॉस और शेजवान चटनी डालेंगे, और थोड़ा सा विनेगर डालेंगे, और साथ में हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर। कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालनी इसमें, आप जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बट हम लोग जो है इसमें मतलब लिमिटेड चीज़ें ही ऐड कर रहे हैं, जो जो चीज़ें हमारे पास है घर पे। ऑयल डाल लेना है। अभी सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें प्याज, इसको हमने पिंकिश होने देना है, मतलब ज़्यादा नहीं पकाना है प्याज को, ताकि जब हम चाउमीन अपनी खाएंगे तो ये खाने में आए इसका फ्लेवर थोड़ा थोड़ा। अभी इसमें ऐड करनी है हमने शिमला मिर्च जो हमने काटी है। शिमला मिर्च को भी हमने 50% तक पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकनी चाहिए, क्योंकि चाउमीन के साथ जब मिक्स करेंगे तो अब भी पकती रहेगी थोड़ी थोड़ी, इसीलिए। अभी ऐड करेंगे हम इसमें बंद गोभी, तो अभी इसमें ऐड करेंगे हम नूडल्स। गैस को सिम पे कर देना है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें सब कुछ ऐड करना है।
सबसे पहले डालेंगे हम ब्लैक पेपर, अब ऐड करेंगे हम इसमें शेजवान सॉस, इसमें डालेंगे हम सोया सॉस और ग्रीन सॉस, ग्रीन चिली सॉरी। अब इसमें ऐड करेंगे हम विनेगर, नमक, अब इसको मिक्स कर देना। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और गैस को हाई फ्लेम पर रख देना है। जब हो जाएगा ना, ये हमारा चाउमीन हो चुका है बिल्कुल रेडी। और बिल्कुल लिमिटेड चीज़ें हमने इसमें ऐड करी है, आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा यमी लग रहा है। आप इसको गार्निश कर सकते हो ग्रीन अनियन के साथ और ये बहुत ज़्यादा यमी बना है। अब सबको खिलाते हैं और रिव्यू पूछते हैं कि कैसा बना है। तो आदू हो चुका है इंस्टीट्यूट जाने के लिए बिल्कुल रेडी, तो इससे पूछते हैं कि नूडल्स कैसे बने, क्योंकि मम्मा ही बना के खिलाते हैं और दिन आज मैंने बनाया है। तो बता, देखने में तो यमी लग रहे हैं ना, लुक एट दी चौमिन गाइस। अच्छे है। मम्मा ज़्यादा अच्छे बनाते हैं कि मैंने बनाए? मम्मी बनाती है। मम्मी ज़्यादा अच्छे बनाते हैं। टेस्टी है ये वाले ज्यादा अच्छे हैं, या मतलब जो दूसरे वाले हम बनाते हैं वो ज्यादा अच्छे हैं? दूसरे वाले ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, इसका टेस्ट तो फर्क है। हाँ, टेस्ट भी अलग है। अच्छा, ये लो अम्मा, अब आप बताओ टेस्ट करके सेम ही रिव्यू होगा कि इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है? वो हमने ना फ्रेश है पैकिंग का। एक तो मैंने टेस्ट का फर्क है, वो वाले ज्यादा स्वाद बने, ये थोड़े मोटे हैं। ये मतलब नूडल वाला टेस्ट कम है इसका, ये थोड़ा सा अलग वाले है ना, इसलिए। ये टॉप्स के नूडल्स है, ये मतलब इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, जो दूसरे हम मार्केट से लेकर आते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं इसके कंपैरिजन। तो वो आप बना सकते हो, क्या पता मैंने इतने अच्छे ना भी बनाए हो, ये भी हो सकता है रीज़न। और ये व्लॉग कर रहे हैं हम यहीं पे एंड। होप आपको मेरा ये कुकिंग व्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट आप किस पे रेसिपी चाहते हो ये भी मेरे को ज़रूर बताना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।